रेड जैकेट अब ब्लैक शर्ट में तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब गुलू गुलू यानी देखिए पहली बात तो ये बहुत फनी है कि कोई कॉप को डीसीपी को बोल रहे हैं मैडम आप अच्छे गुलू गुलू लग रहे हैं, गुलू गुलू नहीं अच्छे ही लग रहे हैं गुलू गुलू मतलब डीसीपी को पहली बात तो ऐसे कोई बोलने की हिम्मत ना करे, और दूसरा कॉप कहाँ से अच्छा ओके चलो ठीक है आप लोग बोलेंगे प्यार है आपका कैरेक्टर के लिए प्यार है गुलू गुलू एनीवे देखा जाए शो में देखा जाए तो चिराग ने बहुत बड़ा मतलब एक सीक्रेट कांड किया है उन्होंने जो घर वाले पुष्पा को भी नहीं पता था। क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए उसको तो बेचारे को नहीं पता था कि उसने एक इंसानियत के नाते बोन मैरो दिया है और उसको मैनिपुलेट किया गया है जो इन लोगों ने, ये बहुत चंट है सारे राइडर्स तो उनको पता था कि ये तो बेटा है और इसी से बोन मैरो मिलेगा क्योंकि खून का रिश्ता है। उसको तो पता नहीं था बट मैनिपुलेट करके उससे करवाया गया है। मुझे पहले लगा था कि शायद इनको पता है इसीलिए उसने अपने पिता को बोन मैरो दिया, लेकिन लेटर मुझे भी पता चल जाएगा कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है बेचारे का, लेकिन अब उसने दे दिया तो करेगा क्या अभी दिलीप पटेल का कहाँ तक मतलब सही मानते हो? दिलीप पटेल जो है जो किया एक बीवी किया फिर एक बीवी छोड़ के दूसरा करोड़पति बीवी ढूंढ के, ऐसा नसीब नसीब वाले को मिलता है क्या? कहीं से भी अच्छा नहीं है वो बंदा। ये तो मतलब एज अ डीसीपी हमारे कुछ एक बोलते ना एक हम इस बंधन में है कि हम लॉ से बाहर नहीं जा सकते, अदरवाइज अगर ऐसा इंसान मुझे मिल जाए मैं वही सूतू पकड़ के उसको फुट डालू, लेकिन हम हमारे लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स है जिसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, वो है सबूत ठोस, बस वही इकट्ठा करने के लिए मेरी भागा दौड़ चल रही, क्योंकि वो बहुत शातिर है मुझे पता है और इतने सालों से वो गेम भी कर रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए मैं ठोस सबूत जमा रही हूँ। पुष्पा बेचारी अकेला तीन बच्चों को लेकर अपना जिंदगी कैसे तैसे काट रही है, चल रही है, ऊपर से करोड़पति लड़कियों को पटाके ऐश कर रहा है, कैसे हमको देख भी नहीं मिलता, हमको देख भी नहीं मिलता मेहनत करता हूँ तो यहाँ दो दो लेकर घूमता है। देखो आपका अगर क्रिमिनल माइंड हो तो आप एक नहीं चार बीवी भी कर लो, सबको भी उनको बना सकते हो ना। देखो अगर आपने कल परसों का एपिसोड देखा होगा तो वसुंधरा रायदन को भी अभी अभी पता चला है क्या कि इसकी पहली बीवी थी। अच्छा कल का एपिसोड देख लीजिए। देखा भाई क्या देखा जाए तो अभी कल आई थिंक कल के या परसों के एपिसोड में, हाँ कल के एपिसोड में वो रो रही थी कि अरे मुझे तुमने बताया क्यों नहीं, तो फिर वो अपना शातिर तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है कि देखो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, हाउ मच आई लव यू एंड ऑल, और बीवी है बेचारी कहीं ना कहीं तो पिघल जाएगी, फिर वो देखे वो बोलती कि ठीक है यार तेरी पहली बीवी थी मुझे पहले बता देना, मैंने कैसे बता दिया तुझे अपने बारे में, तो वो है। तो क्रिमिनल इंसान को एक बीवी क्या चार बेवकूफ बनाना है उसको, तो चार कोई बनाएगा उसमें क्या। सो देखूंगा मैं ताकि उससे सीखूंगा कैसे दूसरी बीवी किया जाता है। हाँ तो उसके बाद फिर मेरे जैसी कोई डीसीपी आएगी ना ऐसे बॉल पकड़ने को सीखना पड़ेगा भाई, सो तो दिखना पड़ेगा केजरा। देखा जाए लोग के बात की अपने कानून के बात की, हमारे देश में सच्ची में सच्ची में हमारे देश में कानून ना बहुत ऐसे चीज है जो कानून हमारे लोगों को हाथ बांध देते हैं। कोई जल्दी पहले एक्सीडेंट होता था, कोई पहले कोई छूता नहीं था, अब धीरे धीरे हो रहा है कि पहले भाई जो जान जा रहा है उसको बचाओ, वो सब पहले कानून नहीं था, धीरे धीरे हो रहा है। पहले लड़कियां पहले ऐसे थी कि भाई मतलब शादी मन से करे ना जोस्ती करे, अभी है कि लड़का लड़के खुशी तो शादी माना जाएगा, कोई किसी की बीबी को लेकर चला जा सकता है, मतलब लड़का राजी, ऐसे भी आजकल कानून अगर प्यार से हो, ये कानून सब क्या हो रहा है हमारे देश में, मतलब बर्बाद करने वाला या सही करने वाला आप क्या? मैं संविधान पे बहुत भरोसा करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही बना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपनी जिंदगी को आसान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज जो कानून हमारे लिए बना है अगर आप उसको वैसे ही फॉलो करें तो वो हमारे गलत के लिए नहीं हमारे सही के लिए है। अब जैसे आपने कहा एक इंसान एक बीवी चार बीवी करता है, लेकिन अगर आप मैरिज एक्ट को पढ़ोगे तो एक बीवी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता इंसान, लेकिन वो जो चीटर है वो तो छुपके छुपा के मैं तो गलत है, मुस्लिम बोलता है मेरे धर्म में लेकर चार शादी करते 10 बच्चा करते हैं फिर क्या बोलना चाहते हैं उनका लॉ है उसमें, तो हमारे देश में एक कानून क्यों नहीं, फिर एक देश एक कानून, 10-4 कर सकते हैं, 12 बच्चा कर सकते हैं, हम एक ही के साथ जिंदगी बिताए, पता नहीं वो कैसे 12 बच्चे और 10 बीवी के साथ खुश रहते हैं। चलो तो हो गया, चलो बड़ी बात हो गई, दूसरी बात हम करते हैं कि देखिए बहुत सारी चीज ऐसा है कि हम हमारे खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, ये भी लोग हमारे देश में है अनुसंख्या कि हम हमारे खिलाफ 10 बोल सकते हैं लेकिन हम उनके खिलाफ एक भी नहीं बोल सकते, किनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, कोई धर्म के खिलाफ, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कानून है, हम किसी धर्म के खिलाफ बोले तो हम अपराधी हो गया, और वो हमारे धर्म के खिलाफ 10 बात बोल के चले जाए हम कुछ नहीं बोला, वो और मारो
नहीं, मुझे देखिए, मैं एज अ पर्सनली नेहा दंडाली मैं ये कहूंगी कि धर्म बुरा नहीं होता है, राइट, लेकिन इंसान तो बहुत बुरा होता है, इंसान बुरा होता है, धर्म बुरा नहीं होता है, हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी भी चीजें हैं, ये धर्म के आड़ में जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं ना वो गलत है। जैसे नहीं सॉरी काटने चाहता, बागेश्वर बाबा जो है वो दिखा रहे भूत गिरा, देखा जाए क्रिश्चियन लोग भी दिखाते हैं तो बागेश्वर बाबा का सपोर्ट में मतलब वो मतलब नौटंकी हो गया, तुम लोग करो तो मतलब हू हा 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 तो सही हो गया, कैथलिक में देख लो हू हा 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 करता है मतलब वो सही है, और बाबा ने कर दे गलत है, कानून दोनों के लिए जैसे होना चाहिए। मुझे लगता है ये मैटर जो है वो अभी अभी बाहर आया हुआ है, मैं तो एक दो कुछ आई थिंक 4-5 दिनों से उनकी न्यूज में सुन पड़ रही थी, तो मैं तो उनको पर्सनली जानती नहीं और वो क्या सिद्धि प्राप्त है या क्या है मुझे उसकी कोई आइडिया नहीं, तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। नहीं, आइडिया नहीं, सिद्धि नहीं, जो हू हा हा भूत प्रेत का है वो अकेला नहीं करता है, कैथलिक चर्च में जो उसमें हू हा हा करता रहता है, किसी मौलाना के पास हू हा हा करता रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं है, वो किया तो उससे कोई एक्शन है, मेरे को कहने का मतलब ये है। लेंगे, देखो जिन लोगों ने, मैंने उस दिन न्यूज में पढ़ा था श्याम मानव ने कुछ उनके ऊपर एक्शन लिया, तो श्याम मानव को पहले गोली मारना चाहिए। मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने भी सेम क्वेश्चन ही उनको किया कि भाई अगर आप इनको क्रॉस कर सकते हो तो उनको भी करिए कि जो ये सब अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने उनके भी खिलाफ कुछ किया है। चलिए ये बात खत्म करते हैं, आप देखिए बिग बॉस, मराठी बिग बॉस, हिंदी बिग बॉस, मराठी गला, हिंदी आला, मतलब एंडिंग आ गया, एंडिंग आ गया, एंडिंग आ गया है, आला आला मराठी संपला वाटते, संपला का मराठी, हां संपला। अच्छा, आप बिग बॉस हिंदी आला लास्ट वीक है, वीकेंड के बाद सब आउट, एक विनर आपको कौन लगता है, कौन विनर हो सकता है, कौन दोस्त है आपको जो बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं? शिव जो है उसमें, मराठी मानू वो मेरे नागपुर का है, नागपुर से हूँ, विदर्भ से हूँ, तो मेरे गांव का है वो, और हमारा एक ग्रुप है पर्सनल ग्रुप जिसमें हम सब विदर्भ और नागपुर के लोग हैं, तो उसमें बिग बॉस में जाने के पहले वो मैसेज हमें डालकर गया था, रिक्वेस्ट करके गया था प्लीज प्लीज मुझे वोट करो, तो एक बस जिसको मैं जानती हूँ, जिसके लिए एक अपना है, एक अपनापन, तो मैं उसी का कहूंगी, बाकी सॉरी मैंने इस बार का वो देखा नहीं है, सिद्धार्थ था तब, मैं सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त, सिद्धार्थ के सबने मिस करता है, सिद्धार्थ मेरा, हम लोग, मैं बालिका वधु हम लोग साथ में काम करते थे, तो तब से अब तक यानी 12-13 साल से वो मेरा, उसके डेथ होने तक का मेरा अच्छा दोस्त था वो, तो तब तक मैं बिग बॉस देखती थी, सॉरी उसके बाद मैं नहीं देखती। सिद्धार्थ लगता हम लोग हम बीच में बहुत जल्दी चला गया, यंग जनरेशन उभरते हुए सितारे थे, और मुझे शॉकिंग, मैं मतलब मैं उस दिन इतना रोई और मेरे मन में एक ही सवाल था क्यों क्यों, क्योंकि वो जब भी मेरी उसके साथ बात होती थी, मिलना तो बहुत कम होता था, लेकिन जो फोन पे हमारी बात होती थी तो मैं हमेशा, हमारा एक कॉमन टॉपिक होता था वेट लॉस मुझे हमेशा बोलते थे मोटी कम हो जा ये कर वो कर, तो मैं उसको पूछती थी क्या कर, तो मुझे ना वो वेट लॉस टिप्स देता था, अच्छा। ये कर, पाइनएप्पल खा, ये खा, वो खा, और वो खुद बहुत जिम करता था और खुद फिट था, मेकअप रूम में भी है, हाँ उसका पूरा टाइम शूट में भी उसका चल रहा है, और क्या बोल रहा है, सुनो सुनो मैं एक लास्ट वाला मतलब एक सवाल मुझे याद आ रहा है, बिग बॉस में ही हुआ था एक कांड, कि जब एक लड़की रश्मि से उसने बोला तू मर भी जाएगा तेरे पानी देने नहीं आऊंगा, एक साल हुआ ना, एक साल पहले मर गया, मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक डायलॉग बोला था, अरे सिद्धार्थ शुक्ला तू मर भी जाएगा ना तेरे पानी पूछने तक भी नहीं आऊंगा, वो डायलॉग जब ऐसा हुआ ना तो मेरे दिल में ना यही दिमाग में गूंजता रहता है कि इस रश्मि शर्मा ने ऐसे बोला क्यों, इसका जवान काली तो नहीं है ना, उसके पास कभी जाऊं नहीं क्या, ऐसे मेरे को दिल में लगता रहता है। गलत है, ऐसे किसी को दुश्मन को भी मत बोलो, देखो आपके जो भी कर्म है ना वो ईश्वर अल्लाह ऊपर वाला जो भी बैठा ना वो देख रहा है, सबको सबके कर्मों की सजा मिलती है, हम गंदा बोल के क्यों अपनी जबान, लेकिन उसने ऐसा बोला था, रिकॉर्डिंग है सब जगह, लेकिन भी बात करते हैं मराठी मानुस शिव ठाकरे जो है इनके लिए क्या बेस्ट ऑफ लगता है, हाँ एक प्रियंका भी जो टक्कर दे रही है, प्रियंका जो है ना बड़ा टक्कर दे रही है, अच्छा मैं सर मैंने देखा नहीं है तो, लेकिन प्रियंका के छोड़ दो तो जिसको आप बेस्ट ऑफ लग देना चाहते, विश देना चाहते हो दे, मैं शिव को ही विश देना चाहूंगी पक्का जिसको जानती हूँ उसी को, शिव पार्टी देना पड़ेगा, देखा नेहा जी ना, नेहा जी पहले से विनर कर रहे हैं, टॉप 3 में है तू, टॉप 2 जी, बताना चाहिए ऑडियंस को पुष्पा इम्पॉसिबल के ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए ऑडियंस के लिए मैं ये कहूँगी कि कल हमारे 200 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं, ये सब आप लोगों की प्यार की वजह से जो है हम 200 एपिसोड्स तक पहुँचते आए हैं, मैं तो अभी अभी आई हुआ 2 महीने हो गए मेरी एंट्री को, और आते ही इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आई लव यू, और बस ऐसे ही शो देखते रहिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शो है, और एक फैमिली के साथ आप इसको बैठ के देख सकते हो,
तो ये उस इसमें सारे रस है, नौ रस में से सारे रस है इसमें। इसमें प्यार है, ममता है, इसमें विलन भी है, इसमें हंसी भी है, इसमें सब कुछ है। लगता आपने सिंगम मूवी देखे हैं अजय देवगन के? सिंगम मैंने देखी है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी से बॉलीवुड में आप लोगों को, पूरा टीम को बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर।